नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप पेपर वाइज और टॉपिक वाइज एडिटोरियल के आर्टिकल्स की वीडियोस को देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। आप video.onlyis.in पर जाके, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस कोर्स, करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, मेंस बूस्टर प्रोग्राम। और अगर आपको कोई डाउट हो इन कोर्सेज से संबंधित तो आप अपना डाउट सेंड कर सकते हो onlyis@gmail.com पर। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वैसे तो देखो, अटल बिहारी वाजपेयी की पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से संबंधित है, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हम फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में। आर्टिकल में कहा जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो पाकिस्तान पॉलिसी थी बहुत ही ज्यादा प्रैग्मेटिक थी। वो हमेशा से चाहते थे कि इंडिया के इंटरेस्ट को इग्नोर किए बिना कैसे पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए जाएं ताकि दोनों देशों के लोगों को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, 1971 के वार के बाद जब शिमला एग्रीमेंट हुआ था, तो उस शिमला एग्रीमेंट का विरोध किया गया था वाजपेयी के द्वारा। उन्होंने कहा था कि ये इंडिया की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। लेकिन बाद में जब वो विदेश मंत्री बने 1977 में, तो पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट ने उनसे पूछा प्राइवेटली कि आप बताइए कि आपने 1972 के शिमला एग्रीमेंट के बाद ये बात बोली थी, तो कैसे आप पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को इंप्रूव करोगे। तो उस समय वाजपेयी ने हंसते हुए कहा था कि मैं उस बात को भूलने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी भूल जाइए, पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव होना दोनों देशों के लिए इंपॉर्टेंट है। उस समय अटल जी ने यह भी कहा था पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को कि देखो, इंडिया की जो रणनीति है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के संदर्भ में, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। पाकिस्तान से डील करते वक्त इंडिया एक है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक ही फ्रंट पे हैं। उन्होंने ये इंपॉर्टेंट बात बोली थी जब वो 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई थी, उस समय विदेश मंत्री बने थे। एक और इंपॉर्टेंट इंसिडेंस तब हुआ जब पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री बने 1991 में। उनकी जब सरकार थी तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक इंपॉर्टेंट सेशन ऑर्गेनाइज हुआ था जनेवा में, और उस सेशन में इंडिया और पाकिस्तान से संबंधित ह्यूमन राइट्स वायलेशन को डिस्कस किया जा रहा था। तो वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी उस समय ऑपोजिशन के लीडर थे, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को कहा कि आप एक डेलीगेशन लेके जाइए इस सेशन में। सोच के देखिए, मतलब आजकल ऐसी चीज रेयर ही देखने को मिलती है कि जब कोई देश का प्रधानमंत्री ऑपोजिशन लीडर को बोलता है कि आप एक डेलीगेशन लेके जाइए इस सेशन में और इंडिया की आवाज को बुलंद कीजिए। तो उस समय एक इंपॉर्टेंट सिग्नल गया था पूरे वर्ल्ड में कि इंडिया एकमत है पाकिस्तान के इशू पर। इसके अलावा देखो, अटल जी दो बार पाकिस्तान की यात्रा पर गए थे। एक बार तो 1999 में लाहौर दिल्ली बस सेवा स्टार्ट हुई थी दो देशों के बीच। टाइमिंग काफी अहम है। ये बस सेवा स्टार्ट हुई थी कारगिल अटैक के बाद। मतलब एक तरफ तो माहौल जो था काफी खराब था पाकिस्तान के अगेंस्ट, लोगों में गुस्सा था, लेकिन फिर भी वाजपेयी जी चाहते हैं कि रिलेशंस इंप्रूव हो, युद्ध के साए में नहीं रह सकते दोनों देश। ये जो बस सेवा स्टार्ट हुई थी, इस बस सेवा ने दोनों देशों के लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर किया था। दोनों देशों के लोगों को लगा था कि सस्ता ट्रेवल अल्टरनेटिव भी उपलब्ध हो सकता है इंडिया से पाकिस्तान में जाने के लिए और पाकिस्तान से इंडिया में जाने के लिए। उसके बाद 2001 में परवेज मुशर्रफ को वाजपेयी ने इनवाइट किया इंडिया में, ताकि जो भी मसले हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच उनको बातचीत से सुलझाया जा सके। लेकिन ये जो आगरा वार्ता थी वो विफल साबित हुई। लेकिन फिर भी 2004 में सार्क समिट को अटेंड करने के लिए अटल जी गए पाकिस्तान की यात्रा पर, और उस सार्क समिट में अटल जी ने प्रेसराइज किया पाकिस्तान को और मुशर्रफ ने स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान की धरती को इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो बात देखो अलग है कि पाकिस्तान अपने वादे पे कभी कायम नहीं रहा, लेकिन फिर भी पहली बार पाकिस्तान के प्रीमियर ने ये बात मानी थी कि इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट पाकिस्तान की धरती इस्तेमाल होती है, और पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तान की जो सोयल है वो इस्तेमाल ना हो इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। तो ये एक काफी मेजर विक्ट्री थी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब कुछ अटल जी ने तब किया जब वो 22 दलों की एक सरकार चला रहे थे। देखो हमारे अभी तक 14 प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, 14 में से सिर्फ 5 प्राइम मिनिस्टर्स ने ही पाकिस्तान की यात्रा की है।
लेकिन अटल जी को छोड़ के बाकी जो प्राइम मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग करंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो पाकिस्तान की यात्रा पर जब गए, जब उनके पास में एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी, देखो एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ पाकिस्तान में जाना आसान है, और कई सारे दलों की सरकार जब आपके साथ हो उस समय पाकिस्तान की यात्रा पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, वाजपेयी जब गए थे पाकिस्तान तो उस समय शिवसेना भी शामिल थी सरकार में, तो शिवसेना के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी का कि आप पाकिस्तान के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, रिलेशंस इंप्रूव क्यों करना चाहते हो। लेकिन अटल जी ने सभी दलों को इंक्लूडिंग शिवसेना को कन्विंस कराया कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के रिलेशंस इंप्रूव होना इंपॉर्टेंट है। तो आप कह सकते हो कि देखो एज ए इंडिविजुअल एमपी, एज ए फॉरेन मिनिस्टर, एज ए प्रधानमंत्री, अटल जी किसी भी पोस्ट पे रहे, लेकिन पाकिस्तान के साथ कैसे रिलेशंस इंडिया के होने चाहिए उस मामलों में अटल बिहारी वाजपेयी की जो अप्रोच थी हमेशा कोहेरेंट थी। ऐसा नहीं कि उन्होंने अपनी अप्रोच को चेंज कर लिया, उन्होंने अपनी अप्रोच को कभी चेंज नहीं किया। ये आर्टिकल एक आईएफएस के द्वारा लिखा गया है, यानी डिप्लोमेट के द्वारा लिखा गया है। बाद में वो अपना एक्सपीरियंस ये भी कहते हुए बताते हैं कि जब मुझे, यानी उनको अफगानिस्तान में एक स्पेशल एनवॉय के तौर पर अपॉइंट किया गया था वाजपेयी के द्वारा, तो वाजपेयी जी ने मुझे एक बात बोली थी कि आप अफगानिस्तान में कुछ ऐसा सोल्यूशन निकालिए जो इंडिया के हक में तो हो ही, लेकिन जो पाकिस्तान के अगेंस्ट ना हो, ताकि पाकिस्तान का जो एटीट्यूड अफगानिस्तान में इंडिया के अगेंस्ट है उस एटीट्यूड को कहीं ना कहीं चेंज किया जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के बारे में, जीएस पेपर 2 के इंडिया एंड नेबरहुड रिलेशंस टॉपिक से आप इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।